और आइए अब हम आपको असम लिए चलते हैं और सवाल यह कि असम में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा, बीजेपी सरकार के काम पर या ध्रुवीकरण के नाम पर। यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने काम गिना रहा है, लेकिन असम सरकार में शिक्षा मंत्री और पावर रैंकिंग में नंबर टू हेमंत बिस्व शर्मा की दिशा ही अलग नजर आ रही है। भगवान श्री रामचंद्र मंदिर बाबर डरे आक्रांत कारिये भांगी पेलाइसिल, कामाख्या मंदिर ऊपर सुल्तान सेनापति काला पहाड़े आक्रमण करिसिल, आरो आधुनिक दिन बदरुद्दीन आजमल सैन्य सकले महापुरुष शंकरदेवर पवित्र भूमि बटद्रवा थान ऊपर आक्रमण चलाइसिल। हेमंत बिस्व शर्मा को बीजेपी में आए अभी मुश्किल से 5 साल हुए हैं, लेकिन ध्रुवीकरण में वो किसी से पीछे नहीं हैं। शर्मा की इस बात को लेकर कांग्रेस से गठबंधन करने वाले AUIDF के नेता बदरुद्दीन अजमल भिड़ गए। हमारे जो समस्या से सब टारगेट कर से चैलेंज कर से कम से कम 26 सीट मुस्लिम बहुल एरिया तक जीते इंशाल्लाह। और चुनावी माहौल का सांप्रदायिक हो जाना एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। कुछ ही दिनों में असम में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। असम में जाति, माटी और बेटी की बात करने वाली बीजेपी का दावा है कि उसने काफी काम किए हैं। गांवों तक पहुंचाया सड़कों का जाल, 5 साल में 11,846 किलोमीटर सड़कें बनी, दूर दराज के इलाकों तक बिजली पहुंचाई, 5 साल में 18 लाख से ज्यादा घरों तक बिजली, असम में 100 आबादी बिजली से कनेक्टेड, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दूर दूर तक सुविधा पहुंचाई, कोरोना के साथ सफलता से लड़ाई की, अलगाववादी और आतंकवादी ताकतों की कमर तोड़ी, राज्य में 2011 से 2015 के बीच 387 हिंसक घटनाएं हुई, 2016 से 2020 तक ऐसी घटनाएं सिर्फ 85। असम में तो राहुल गांधी ने भी आकर जंग का ऐलान कर दिया है। पिछली बार 2016 के चुनाव में बुरा प्रदर्शन करके सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस इस बार लेफ्ट और मुस्लिम पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, छोटे बिजनेस वालों की, मिडिल साइज बिजनेस वालों की, हम जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है। और जब हम यहां सरकार में आएंगे दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो नफरत फैलाई जा रही है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले, हर जात, हर धर्म, हर भाषा, हर व्यक्ति की हम रक्षा करेंगे और हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के लिए असम कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार असम का दौरा कर चुके हैं। पिछले दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बगान के मजदूरों के लिए, पूरे असम में फैले हुए इन मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषणा भी की थी। असम सरकार के इन्हीं प्रयासों से जुड़कर इस बार देश के बजट में भी चाय बागान में काम करने वाले हमारे भाइयों और बहनों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना की घोषणा की गई। टी वर्कर के लिए 1,000 करोड़ रुपए, ये पैसा आपको मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाएगा, हमारे टी वर्कर्स का जीवन और आसान बनाएगा। 167 रुपीस टी वर्कर को मिलता है, बता ना भैया इससे क्या खरीदा जाता है, क्या मिलता है इससे? तो टी वर्कर को 167 और
गुजरात के व्यापारियों को दी गार्डन। अब हमने साफ कह दिया, देखिए 167 ये हुआ, ये क्या भैया, मतलब इससे 2 रुपए कम होंगे। और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज की वर्कर के जेब में डालेगी, मतलब 365 रुपीज। प्रधानमंत्री ने यहाँ किसानों के बीच जमीन के पट्टे भी बांटे। जाति, माटी और भेटी की बात करने वाली बीजेपी ने असम की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कई काम किए हैं। इसी को आधार बनाकर हर जाति, हर माटी से जुड़े लोग, लोगों को भेटी यानी जमीन मुहैया कराने का प्रण लिया है। प्रधानमंत्री ने खुद इसके लिए असम के जरूरतमंद लोगों को जमीन के पट्टे बांटे। आज असम के हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया गया। फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तय हो जाएगा कि असम का चुनाव काम पर लड़ा जाएगा या ध्रुवीकरण पर। ABP News आपको रखे आगे।